प्रिय विद्यार्थियों, आज के ई व्याख्यान में हम बात करेंगे ग्रामीण समाज शास्त्र। मैं डॉक्टर पीटी राजोरा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सराड़ा। ग्रामीण समाज शास्त्र और नगरीय समाज शास्त्र हमारे समाज शास्त्र के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में तृतीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र के तहत हम इसको पढ़ते हैं, ग्रामीण और नगरीय समाज शास्त्र को। आज ग्रामीण समाज शास्त्र के बारे में हम प्रारंभिक बातचीत करेंगे, फिर आगे के व्याख्यानों में पाठ्यक्रम के अनुसार हम ग्रामीण और नगरीय समाज शास्त्र की विभिन्न अवधारणाओं का जो है हम अध्ययन करेंगे। गांव मानव के सामूहिक जीवन का प्रथम जो है पालना है। मनुष्य सबसे पहले सामूहिक रूप में जब उसने रहना प्रारंभ किया तो प्रारंभिक तौर पे जो बसावट का जो आधार बना है जनसंख्या का आरंभ वो गांव में ही हुआ है। समाज शास्त्र में अध्ययन की सुविधा के लिए अनेक समाज शास्त्र की शाखाओं उपशाखाओं की स्थापना हुई। आदिम समाजों के अध्ययन के लिए हम सामाजिक मानव शास्त्र का अध्ययन करते हैं। समाज से संबंधित मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए सामाजिक मनोविज्ञान। इसी क्रम में ग्रामीण समाजों के समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण का विशिष्ट और गहन सारगर्भित अध्ययन करने के लिए ग्रामीण समाज शास्त्र की स्थापना हुई। ग्रामीण समाज शास्त्र का जो प्रमुख उद्देश्य है, अर्थात जो ग्रामीण समाज शास्त्र विषय के रूप में हम अध्ययन करते हैं, उसका प्रमुख जो उद्देश्य है ग्रामीण समाजों का समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से अध्ययन करते हुए समाजों की, इन ग्रामीण समाजों की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, प्रकार और उनमें होने वाले परिवर्तनों का गहन अध्ययन करना और उनसे संबंधित समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का निर्माण करना ग्रामीण समाजशास्त्र का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। ग्रामीण समाजशास्त्र की जब अवधारणा की बात करते हैं तो शाब्दिक दृष्टि से ग्रामीण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रामीण एवं समाजशास्त्र। इसका अर्थ हुआ है कि ये समाजशास्त्र की वह शाखा है जो ग्रामीण जीवन, ग्रामीण समूहों, ग्रामीण जगत का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। कई समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए अलग अलग प्रकार की जो परिभाषाएं बताई है, इनका हम यहाँ इन परिभाषाओं का हम जिक्र कर रहे हैं। स्टुअर्ट चैपिन ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर इन रूरल सोसाइटी में ग्रामीण समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए उन्होंने बताया कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र है। यह ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण सामाजिक संगठन, ग्रामीण समाज में कार्यरत सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। स्टुअर्ट चैपिन ने अपनी परिभाषा में तीन प्रमुख तत्वों पर ध्यान दिया, जिसमें पहला है ग्रामीण सामाजिक संगठन। ग्रामीण सामाजिक संगठन के तहत हम बात करते हैं गांवों की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक अध्ययन पर उन्होंने जोर दिया। दूसरा बिंदु स्टुअर्ट ने लिया था ग्रामीण जनसंख्या, जिसमें गांवों के जनसंख्यात्मक आधार, स्त्री पुरुष का अनुपात, घनत्व एवं जनसंख्या वितरण के अध्ययन पर उन्होंने विशेष जोर दिया। इसी प्रकार तीसरा बिंदु उन्होंने बताया सामाजिक प्रक्रियाएं, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या में पाई जाने वाली विशेष संगठनात्मक और विघटनात्मक प्रक्रियाओं पर उन्होंने जोर दिया। जैसे संगठनात्मक प्रक्रिया में सहयोग, अनुकूलन, प्रतिस्पर्धा इत्यादि पर उन्होंने बात की। स्मिथ ने अपनी पुस्तक द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ में बताया ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में, ग्रामीण सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित ज्ञान को ही हम सही अर्थों में ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र कहते हैं। इसके अलावा स्मिथ अन्य जगह पर लिखते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण जीवन का सामाजिक शास्त्र का ज्ञान की एक व्यवस्थित शाखा है, जो ग्रामीण समाज, इसके संगठन, संरचना और इसकी प्रक्रिया में वैज्ञानिक विधि के फलस्वरूप इसका विकास हुआ है। अन्य परिभाषाओं में भी आगे बताया गया, ग्रामीण समाजशास्त्र एक ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो ग्रामीण मानव का उन समूहों के संदर्भ में अध्ययन करता है जिन समूहों के मध्य में ग्रामीण मानव अंतःक्रिया करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में निहित जीवन का समाजशास्त्र है। A.R. देसाई, जो प्रसिद्ध भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्री के रूप में प्रतिष्ठित है, A.R. देसाई ने अपनी पुस्तक
रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, अर्थात एआर देसाई की जो रचना है रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया में ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषा नहीं प्रस्तुत की उन्होंने, बल्कि ग्रामीण समाजशास्त्र के उद्देश्यों का इन्होंने विवेचन किया है एआर देसाई ने। एआर देसाई ने जो प्रमुख बातें जो बताई जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है यहाँ पर, ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण समूहों, ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाओं एवं अंतःक्रियाओं, ग्रामीण सामाजिक संरचना एवं संगठन आदि का व्यवस्थित अध्ययन इसमें किया जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्री संपूर्ण ग्रामीण जीवन का विज्ञान है। यह केवल सिद्धांतिक ज्ञान ही नहीं परंतु ग्रामीण समस्याओं के निराकरण, ग्रामीण पुनर्निर्माण, उत्थान में व्यवहारिक योगदान देने वाला विज्ञान है। तो एआर देसाई ने इसके व्यवहारिक पक्ष पर जोर दिया। ग्रामीण समाजशास्त्र की जो विभिन्न परिभाषाओं का जो हमने अभी विवेचन किया उसके सारगर्भित रूप में ये कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है और इसमें प्रमुख रूप से निम्न बिंदुओं को हम समावेश करते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में रहने वाले लोगों का अध्ययन करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र का मुख्य संबंध ग्रामीण सामाजिक संगठन, उसकी संरचना, प्रकारों, सामाजिक प्रतिमानों एवं प्रक्रियाओं से है। इस प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र गांव में रहने वाले लोगों के सामाजिक जीवन के समस्त पक्षों के अध्ययन से संबंधित है। समाजशास्त्र की अपेक्षा ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समुदायों के व्यवहारिक जीवन जीवन से संबंधित होने वाले कारण, इस प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र मूलतः ग्रामीण सामाजिक जीवन प्रतिमानों, प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों का अध्ययन इसके तहत किया जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र जो है इसके तहत हम बात करते हैं तो हम देखते हैं अमेरिका में ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास हुआ। भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति और विकास के जो बिंदु है उसको हम देखते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास, और इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र के तहत कई हम अध्ययन करते हैं जिसके अंदर कई पत्रिकाएं हैं, वार्षिक पत्रिकाएं, अर्धवार्षिक पत्रिकाएं, मासिक ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में जो हमें जानकारी देती है। इसमें प्रमुख रूप से भारत में देखते कुरुक्षेत्र, ग्राम सेवक योजना, आर्थिक समीक्षा, रूरल इंडिया, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली आदि प्रमुख है। इसके अलावा विभिन्न विद्वानों ने ग्रामीण समाजशास्त्र से संबंधित कई पुस्तकें बताई, जो श्यामाचरण दुबे की इंडियन विलेज, श्यामाचरण दुबे की इंडियन विलेज और डीएन मजूमदार की पुस्तक, मैकी मेरियट की पुस्तक विलेज इन इंडिया, इंडिया चेंजिंग विलेज, एम एन श्रीनिवास की सोशल सिस्टम ऑफ द मैसूर विलेज, रिमेम्बर विलेज, डीएम मजूमदार की कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज, राधा कमल मुखर्जी की इकोनॉमिक ऑफ रूरल सोसाइटी। इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार की जो ग्रामीण समाजशास्त्र की जो पुस्तकें हैं भारतवर्ष के अंतर्गत, ए आर देसाई की रूरल सोशियोलॉजी इंडिया, एफ जी बेली की कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर, इन पुस्तकों का जो हम अध्ययन करते हैं। तो ये ग्रामीण समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकें मानी जाती है। तो हम ग्रामीण समाजशास्त्र के तहत आज हमने इसके जो है प्रारंभिक परिभाषाएं, इसके विषय वस्तु और इन चीजों पर बात की। आगे के व्याख्यानों में हम ग्रामीण समाजशास्त्र के तहत विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।